देशवासियों, कल की घटनाओं से मन बड़ा व्यथित है। कल एक के बाद एक कई सारी घटनाएं घटी जिसको लेकर मन बहुत दुखी हुआ। तो आज उसी घटनाओं के बारे में आपके सामने मैं आया हूं। कल मुरादाबाद में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बनारस के मछोदरी पुलिस चौकी के पास खाना बांटने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, वहां भी घायल पुलिसकर्मियों को जान बचाकर भागना पड़ा, बाद में इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। दूसरी घटना बेगूसराय बिहार में मछली खरीदने गए युवक की सत्तू पीते हुए पुलिस ने पिटाई की, सर फटने से ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, वहां से पुलिस को भागना पड़ा। तीसरी घटना औरंगाबाद की है, वहां मेडिकल टीम पर जानलेवा हमला हुआ, कई सारे चिकित्सक बेचारे घायल हो गए। और चौथी घटना चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड में हुई है, वहां पे भी कई बीडीओ एसडीओ डॉक्टर जो है पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। ये किस तरह के लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो लोग जान हथेली करके इस महामारी से देश जो जूझ रहा है संकट में अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी जान को बचाने के लिए आपके पास जा रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? मैं किसी इसको कोई रंग नहीं देना चाहता हूं। मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि स्क्रीनिंग कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मेडिकल आते हैं, मेडिकल अफसर आते हैं, मेडिकल टीम आती है, आप स्क्रीनिंग करा लो, और अगर कोई दिक्कत है तो आइसोलेट हो जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ। इससे आपका फायदा है, आपके लोग बचे रहेंगे, आप जब बचे रहोगे तब देश बचा रहेगा। लेकिन इस तरह से हमला कतई भी ना करें, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना कतई भी एक सब नागरिक के लिए जो है ये शोभा नहीं देती। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि आपसी सौहार्द बनाए रहें, इस तरह की घटना ना होने दें, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। ये मेरी अपील है। धन्यवाद।